पहले लेंगे हम 100 ग्राम डार्क चॉकलेट, और इसमें मैंने कंपाउंड डार्क चॉकलेट यूज करी है। अगर आपके पास कंपाउंड डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप कोई भी डार्क चॉकलेट यूज कर सकते हो, और इसके हम छोटे छोटे पीसेस करेंगे। फिर चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस करने के बाद लेंगे हम एक कंटेनर, और उसमें ऐड करेंगे 5 टीस्पून ऑफ मिल्क, और उसके बाद हम ऐड करेंगे जो हमने क्रश की थी डार्क चॉकलेट, और इसको हम मेल्ट करेंगे ऑन लो फ्लेम। जैसे ही चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी हम इसमें ऐड करेंगे शुगर 2 टेबलस्पून, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें, और उसके बाद हम ऐड करेंगे कोको पाउडर 1 टेबलस्पून एंड विल मिक्स इट वेल। अब हम लेंगे 2 कप मिल्क एंड मेक श्योर जो मिल्क होगा वो रूम टेम्परेचर पर होगा, एंड हम जो मिल्क डालेंगे वो पार्ट्स में डालेंगे, एंड मिल्क डालने के बाद इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे ऑन लो फ्लेम। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर मिक्सचर, और कॉर्नफ्लावर मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगा, और कॉर्नफ्लावर मिक्सचर डालने के बाद इसको हम कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे जिससे लम्स ना आए ऑन लो टू मीडियम फ्लेम। जब आपकी हॉट चॉकलेट थोड़ी थिक होने लग जाए तो आप फ्लेम बंद कर देना, दैट मीन्स कि आपकी हॉट चॉकलेट बिल्कुल बनकर रेडी हो चुकी है। और इसके बाद हॉट चॉकलेट डालेंगे हम कॉफी मग में, और ऊपर से आपको चॉकलेट से गार्निश करना है तो आप वो भी कर सकते हो। और जो आप ये ब्लैक कलर के कॉफी मग देख रहे हो ना, ये मैं 2 कॉफी मग लाया था, इतने सस्ते थे, लाइक हद से ज्यादा सस्ते थे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये 2 कॉफी मग आपको कितने रुपए के लग रहे होंगे। नाउ योर डिलीशियस हॉट चॉकलेट ड्रिंक इज रेडी टू सर्व। जरूर ट्राई करना है रेसिपी, एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में ये बताना कि ये रेसिपी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को।